आज पहले नंबर पर हम शांतिपुर नोदिया से बोल रहे हैं। हम लोग शहरवासियों को जागरूक करने के लिए सुबह 8 बजे शांतिपुर नूतन हाट में इकट्ठा हो गए हैं। काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहे हैं। कई सारे क्वेश्चंस जो मीडिया हमें नहीं बता रहे हैं, क्यों टीबी में इससे ज्यादा डेथ और ये ज्यादा इन्फेक्शन होने के बावजूद भी वहां पे कभी मास्क के लिए बताया नहीं गया, अभी यहाँ पे हमें मास्क मैंडेटेड किया गया, क्यों मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की गाइडलाइन में अभी भी लिखे रहता है कि पर्सन विदाउट सिम्टम्स आर नॉट टू यूज मास्क, फिर भी लोगों को मास्क पहनने के लिए जबरदस्ती किया जाता है। कोई साइंटिफिक रीजन तो होगा, उसके झुंड में झुंड हम कर रहे हैं। क्यों हमें ऐसा डर लगता है कि दोबारा सेकेंड लॉकडाउन कर जाएगा, क्योंकि ऐसे ही पहले लॉकडाउन में हम लोगों का लाइफ ऑलमोस्ट बर्बाद होने के तरफ आ गया है। तो इसकी क्यों आरटीपीसीआर टेस्ट किट में 50% तक फॉल्स पॉजिटिव आ सकता है, ऐसा डॉक्टर डेबोरा विक्स यूएसए बताने के बावजूद भी इसके ऊपर कोई क्वेश्चन मीडिया ने उठाता है। क्यों अल्टरनो डायग्नोस्टिक जो आईसीएमआर की अप्रूव लिस्ट में नंबर 1 पे है आरटीपीसीआर टेस्ट किट की सप्लाई की लिस्ट में, उस किट के मैनुअल में ये लिखा हुआ है कि दिस इज नॉट फॉर यूज इन डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, उसके बाद भी क्वेश्चन मीडिया उठाते नहीं आए, लेकिन हर रोज हर सेकेंड में कोविड में कितना मरते हैं, जैसे कि कोविड एक अकेला बीमारी रह गया। डॉक्टर तरुण कोठारी ने बताया है हमें कि अगर कोई पैंडेमिक प्रूफ कर दे, ये महामारी प्रूफ कर दे, तो 2 लाख रुपए ले जाए। हम भी ऐसे ढूंढ रहे हैं, कोई अगर यहाँ पे सही में महामारी प्रूफ हो जाता है, हम उनकी उनको साथ में लेके हम लोग लोगों को और जागरूक करने के लिए, उस तरफ जागरूक करने के लिए हम लोग कदम उठाएंगे, लेकिन हमें मिल नहीं रहा है, हमें क्वेश्चन का सही जवाब नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग अभी सड़क पर उतर आए हैं और ये सारे बैनर्स लेके हम साथियों के साथ लेके लोगों को जागरूक करने की, कोई हमें ये सब क्वेश्चन का सही के सही आंसर दे। जय हिंद, धन्यवाद।